पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सिटी ऑफ पैलेसेस मैसूर। सो बेसिकली मैं और पुष्पा, जो मेरी फ्रेंड है बैंगलोर की, हम लोग दोनों यहाँ पे आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए टू मैसूर। ऑनेस्टली मैं इसके पहले मैसूर आई हूँ, बट पूरा मैंने मैसूर कवर करके कभी देखा नहीं है एंड आई एक्चुअली डोंट वॉन्ट टू मिस दैट चांस दिस टाइम। मैसूर दक्षिण भारत का एक ऐसा शहर जो सिर्फ राजा, प्रजा और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग संस्कृति एक ही जगह पर पाने जाने के लिए भी मशहूर है। मैसूर को सैंडलवुड सिटी, सिटी ऑफ पैलेसेस, क्लीनेस्ट सिटी, कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटका के नाम से भी पॉपुलरली जाना जाता है। और जैसे आप इस वीडियो में और आगे के वीडियोस में देखोगे, मैसूर सच में काफ़ी क्लीन है। आप मैसूर बाई ट्रेन, बस या फ्लाइट से इजीली आ सकते हो और सबसे कन्वीनियंट और सस्ता ऑप्शन है ट्रेन का। सिटी काफ़ी डेवलप्ड है, इसीलिए आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चामुंडी हिल्स, जहाँ पे श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल है, उसी मंदिर के गेस्ट हाउस में हमने रूम बुक किया हुआ है। सो मैसूर में स्टेशन के बाहर और मैसूर सिटी बस स्टॉप के बाहर आपको काफ़ी होटल्स मिल जाएंगे, जो 500 से लेके 5000 के रेंज में भी आपको स्टे के कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और होटल्स के ही तरफ से ट्रैवलर या बसेस भी वो अरेंज करवाते हैं अपने गेस्ट के लिए, जिसके थ्रू आप मैसूर का दर्शन कर सकते हो। हम मैसूर पहुँचे रात 9 बजे और 8 बजे के बाद में मैसूर स्टेशन से चामुंडी हिल्स के लिए कोई बसेस नहीं निकलती, और वो हमें आज पता चला। और आपको मैसूर स्टेशन से 8 बजे के बाद में कोई ऑटो, ओला, बस, टैक्सी, कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी प्रिसाइसली टू चामुंडी हिल्स। सो जब भी आप प्लान करोगे, टाइम को ध्यान में रखकर प्लान बनाइए। एक भले बस ड्राइवर ने हमें लास्ट ऑप्शन एक बताया, जो मैसूर सिटी बस स्टैंड से लास्ट बस कुछ 9:30 को निकलती है चामुंडी हिल्स के लिए, और उसी आखिरी उम्मीद में हम मैसूर स्टेशन से मैसूर सिटी बस स्टैंड की ओर निकले और नसीब से लास्ट जो 9:30 की बस थी वही बस पकड़कर चामुंडी हिल्स पहुँचे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ऐसे ज़्यादा आपको ऑप्शंस यहाँ पे पहाड़ों में नहीं मिलेगा। सो नॉर्मल टी स्टॉल, जहाँ से आप मैगी, कॉर्न, वेफर्स, चिप्स, ऐसे सब जुगाड़ लगा के आप खाना यहाँ पे खा सकते हो, नॉट अदरवाइज। इसीलिए होटल्स की जब भी बात आती है, तभी मैसूर बस स्टैंड या फिर मैसूर स्टेशन के तरफ अगर आप ऑप्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैसूर का मौसम काफ़ी मस्ताना है। सो बेसिकली हम लोग ने यहाँ से बस बुक किया है मैसूर दर्शन, जैसे मुंबई का दर्शन होता है वैसा यहाँ पे मैसूर का भी दर्शन होता है। सो बस का टिकट कुछ 350 रुपीज़ है एंड देर आर अ लॉट ऑफ लोकेशंस जो वो कवर करते हैं। लोकेशंस तो मैं वन बाय वन आपको दिखाते जाऊंगी। आप मैसूर टैक्सी, ऑटो या हमारे जैसे ट्रैवलर में भी घूम सकते हो। जो टैक्सी की सर्विस है वो कुछ शुरू होती है 2000 से, ऑटो का कुछ 1000 से शुरू होता है। सो 7 से 8 इंपॉर्टेंट मैसूर के जगह वो घुमा के दिखा देंगे, सो यू कैन स्पीक टू देम। हम जिनके थ्रू मैसूर घूमने वाले हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये वीडियो के डिस्प्ले में मैंने शेयर किया हुआ है। और हमने मैसूर की शुरुआत की श्री चामुंडेश्वरी मंदिर से, जो 18 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मैसूर से 13 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ श्री चामुंडेश्वरी मंदिर लगभग हजारों साल पहले होयसाला राजवंश ने बांधा। माँ चामुंडेश्वरी दुर्गा माँ का एक रूप है और हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पर राज करने वाले महिषासुर का वध दुर्गा माँ ने इसी पहाड़ पर किया था। मैसूर को महिषूर के नाम से भी जाना जाता था और ब्रिटिश के राज्य में इसे मैसूर का नाम दिया गया। मंदिर सुबह 7:30 बजे से रात को 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है और 100 रुपये में स्पेशल दर्शन का भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगा, पर स्पेशल दर्शन में भी आपको नॉर्मल लाइन जितनी ही भीड़ मिलेगी। मंदिर आप गाड़ी से भी आ सकते हो और पहाड़ के नीचे से हजारों सीढ़ियाँ बनाई गई है जहाँ से आप मंदिर पैदल भी आ सकते हो। 700 सीढ़ियों के बाद आपको नंदी की मूर्ति भी मिलेगी जो काफ़ी फेमस है मैसूर में। 20 रुपये अगर आप यहाँ पर मंदिर के अंदर दोगे तो आपको 2 लड्डू मिलेंगे जो प्रसाद के तौर पर आप खा सकते हो और घर भी ले जा सकते हो।
सो पहला जो हम लोग लोकेशन पे आए हैं दैट इज जगन मोहन आर्ट गैलरी, दैट इज द आर्ट म्यूजियम। तो उसके बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये एक्चुअली कंप्लीट किया गया था इन द ईयर 1861, जो अभी मैसूर पैलेस में जो राजा की पूरी फैमिली रहती है। तो टू अ सर्टन एक्सटेंट फॉर फ्यू ईयर्स वो लोग यहाँ पे ही आके रुके थे। सो यहाँ पे पूरा उनका आर्ट गैलरी बनाया हुआ है। यहाँ पे जब भी वो थे, उनका जो आर्ट का जो उनका शौक था, वो बहुत शौकीन थे राजा आर्ट के लिए। तो उनका पूरा उन्होंने पिक्चराइजेशन बताया हुआ है। इट इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल। जगन मोहन आर्ट गैलरी की वैसे बहुत सारी खास बातें हैं, लेकिन उनमें से एक अनोखी बात यह है कि यहाँ की पेंटिंग्स वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट यानी विविध सब्जियों द्वारा बनाई गई रंगों से पेंट की गई है। 2000 से भी अधिक कलेक्शंस इस आर्ट गैलरी में आज के दिन में भी मौजूद है। पूरे दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा कलाकृतियाँ यानी आर्टिफैक्ट्स जगन मोहन आर्ट गैलरी में आप देख सकते हो। इनमें से बहुत सारी पेंटिंग्स राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है, जो रामायण और महाभारत के काल को दर्शाती है। उसके अलावा मैसूर, मुगल, शांति निकेतन स्टाइल के पेंटिंग्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। राजा वडेयार के वंशज जब यहाँ पर रहने आए थे, तभी उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे टीक वुड से बनाई गई फर्नीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आज भी उनके रॉयल और लग्जूरियस लाइफस्टाइल को दर्शाता है, जिसका एंट्री फीस सिर्फ 20 रुपया है। सो बेसिकली मैसूर में पैलेस के अलावा और बहुत सारी चीज़ें फेमस है। मैसूर सैंडल हो गया, मैसूर सिल्क हो गए, ऐसे कई सारी चीज़ें फेमस है। तो वैसे ही एक शॉप पे हम लोग अभी आए हैं, जो बस वाले अंकल थे उन्होंने यहाँ पे एक स्टॉप दिया है जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं हम लोग। सो मैंने भी कुछ खरीदा है, अगरबत्ती और धूप वगैरह लिया है भगवान के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ताजमहल के बाद मैसूर पैलेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर और लोगों द्वारा विजिट किए जाने वाली जगह है। हर साल 6 मिलियन के करीब टूरिस्ट इस पैलेस को देखने आते हैं। पैलेस की एंट्री फीस बड़ों के लिए 70 रुपीज़ और बच्चों के लिए 30 रुपीज़ है। सुबह 10 से 5:30 तक पैलेस विजिटर्स के लिए खुला रहता है। इस वीडियो में जो आप देख रहे हो वो मैसूर का नया पैलेस है। इस पैलेस को रीकंस्ट्रक्ट करने के लिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन को कृष्णराज वडेयार जी ने अपॉइंट किया था। 1912 में ये पैलेस बनाई गई थी, जिसे पूरा करने में लगभग 13 साल लग गए थे। आज भी राजा वडेयार के वंशज इस पैलेस में रहते हैं, इसीलिए पैलेस का कुछ ही पोर्शन विजिटर्स के लिए ओपन है। पैलेस में एंटर करते ही एक बड़ा कॉमन हॉल आपको मिलेगा, जहां पर इंस्टाग्राम के लिए आप पिक्चर्स ढेर सारा क्लिक कर सकते हो। और ये मेरा सेकेंड विजिट है मैसूर पैलेस में, और दोनों बार भी मैंने पैलेस के किसी कोने में भी धूल या मिट्टी तक नहीं देखी। इतने हजारों दिन में विजिटर्स आने के बावजूद भी पैलेस को आज भी वेल मेंटेन्ड रखा है। पैलेस में कृष्ण राजा वडेयार की फैमिली पेंटिंग्स, फैमिली ट्री, ट्रेजर बॉक्सेस, मॉन्यूमेंट्स जैसे काफ़ी यूनिक चीज़ें आप यहां पर देख सकते हो। मैसूर पैलेस को अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पैलेस को गॉथिक, मुगल, राजपूत ऐसे कई स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर से बांधा गया है। दशहरे के अवसर पर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति इस गोल्डन चैरियट में स्थापित किया जाता है, और चैरियट को खूबसूरती से सजाए गए हाथी के शीर्ष पर रखा जाता है। Thank you.
और ये पैलेस का बड़ा दरबार है, जहाँ दशहरे के अवसर पर इस दरबार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और इसे देखने काफ़ी लोग कहाँ कहाँ से आते हैं इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। और ये जगह मेरी पर्सनल फेवरेट भी है बिकॉज ऑफ़ द रिचनेस, कलर एंड द आर्किटेक्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैसूर आप कोई भी सीज़न में आ सकते हो, पर मैसूर को दशहरे के अवसर पर देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मैसूर के इस पैलेस को लाइटिंग से सजाया जाता है, जिसे देखने करोड़ों लोग दशहरे के अवसर पर मैसूर आते हैं। इस पार्ट वन के वीडियो में हमने मैसूर में आने की जर्नी और टॉप 4 लोकेशंस के बारे में हमने बताया है। मैसूर में और भी इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत लोकेशंस है जो हम आपके लिए अगली वीडियो में लाने वाले हैं। सो अगली वीडियो के लिए बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना।